ह्यूमन चेन बनाकर सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध। सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध पूरे देश में जारी है। रविवार को परवल नाका से एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन के बीच ह्यूमन चेन बनाकर इन कानूनों का विरोध किया गया। ह्यूमन चेन बनाने वालों में पुरुषों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों से जुड़े नेता मौजूद थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनआरसी है, जो सीए इन्होंने अमेंडमेंट करके इस देश के अंदर धर्म के नाम पे जो बांटने का काम किया, तो उसके खिलाफ़ में यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और ये सीए जो है हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे गैर कानूनी रहने वाले लोगों को एक प्रकार का संरक्षण देने का काम किया है, उसके खिलाफ़ में है। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये पूरे देश के अंदर लागू करने के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि आसाम के अंदर एनआरसी के नाम पे 19 लाख आज रेफ्यूजी कैंप के दरवाजे के पे खड़े हैं, तो ये पूरा देश में अगर लागू होगा तो कैसी परिस्थिति होगा। डिमोनेटाइजेशन का जो परिणाम हुआ था, वैसे ही लोग लाखों के तादाद में लाइन में खड़े रहते मर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके खिलाफ आज देखिए, हमारा देश का गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, और इस रोज 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को स्वीकृत किया था। और संविधान का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, वहां से हम इस संविधान की शुरुआत करते हैं और उस संविधान को हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तो हम 71 साल के अंदर ये संविधान को जो है मानने वाले इस देश के सभी जाति धर्म के लोग आज इस संविधान को लेकर जो है आज बहुत बड़े पैमाने पे चिंतित है। आज जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, वो ये हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे इस दस्तूर को खत्म करना चाहती है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर, हम भारत के लोग आज मरोल के अंदर, मरोल से लेके पाइपलाइन तक, हम सब लोग अमन पसंद और प्रगतिशील वामपंथी विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर हम जो है हमारे संविधान को खत्म करने की जो साजिश ये मनुवादी आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम यहाँ पर ये जो मानवीय श्रृंखला जो है ये बनाकर एक एकता का प्रदर्शन यहाँ के अंधेरी विभाग के अंदर, अंधेरी पश्चिम विभाग के अंदर हम करना चाहते हैं। जो आज गणतंत्र दिन है 26 जनवरी, उस दिन हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। जो एनआरसी के खिलाफ सरकार ने जो एक डिसीजन लिया हुआ है और इस देश में नफरत की भावना फैलाकर देश में डिवाइड करके लोगों को सत्ता हासिल करने का एक जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं यहाँ पर। हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं जो सेंटर में सरकार है उसको, कि जो आज जो गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान बना था, जो संविधान आज हर भारत के जो लोग हैं उनको जो बांध के रखा है सेकुलर फैब्रिक के अंदर, तो वो उसको तोड़ने की, उसको तार तार करने की कोशिश ना करें। जो हम एकता बोले, अनेकता में एकता है, हमें वैसा ही रहने दीजिए। कोई जाति किसी जाति के नाम पे राजनीति ना करे, हम सब लोग मिल के रहना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद। सीएए एनसीआर एनपीआर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार आंदोलन चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर वो शख्स जिसको संविधान से और भारत से प्यार है, वो कोशिश कर रहा है कि जहां कहीं भी इस तरह के आंदोलन हो वहां पर शामिल हो। उनको संविधान प्यारा है, संविधान से उनको लगाव है, संविधान में जिस चीज़ की संरचना की गई थी उसमें कहीं भी धर्म का मामला नहीं था। अब तक धार्मिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार इस तरह का जो प्रस्ताव आया, कानून बना, एक भय का माहौल है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, लाख उसको कोशिश कर रहे हैं
कि उसमें बांटा नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में है। और पहली बार युवा, महिलाएं, विद्यार्थी अगर सड़कों पर उतर रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैसेज सिर्फ एक है और वो ये है कि संविधान हर चीज़ से ऊपर है। जिसने भी संविधान से छेड़छाड़ की उसको इस मुल्क में रहने की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए, और इस टाइम इस मुल्क में संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग जो संविधान से छेड़छाड़ करें वो पावर में रहें, हुकूमत में रहें। पहली बार रिलीजन का नाम लेके कोई एक्ट पास हुआ है, ये बहुत शर्म की बात है और लोगों ने अपनी अक्सरियत का गलत फ़ायदा उठाया है। और इसलिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का संविधान सर्वप्रिय है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और मज़हब के नाम पे हिंदुस्तान में कोई हरकत नहीं की जा सकती, कोई काम नहीं किया जा सकता, और हम उसे एकदम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई हिंदुस्तानी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज हम संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तमाम मोरल अंधेरी के लोगों को लेकर, या भी बच्चे बूढ़े भाई और बहनों सबको लेकर हमको ये संदेश देना है, जो मोदी सरकार NRC NPR CA जो लागू करने जा रहे इसका खिलाफ आज हमारा संदेश है। हम आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अंदर शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला बना रहे हैं। अगर सरकार उसमें आ गया और NRC रद्द नहीं किया तो आने वाला दिन के अंदर इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के लोगों को घर घर में जाकर जागरूक करके हम लोकसभा और राज्यसभा घेराव करेंगे और NRC रद्द कराएंगे। ये हमारी ये मांग है। मुकर्रम शेख के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।